हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वायलेंट स्टूडियो जबसियाल में। मैं खितीश आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सुपरस्टार अक्षय कुमार एंड रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म रॉबर्ट 2.0 की कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Boom, boom, robo da, robo da, robo da. Zoom, zoom, robo da, robo da, robo da. Boom, boom, robo da, robo da. इस बार मेरा रोबोट वशीकरण के रोबोट से ज्यादा ताकतवर होगा। Boom, boom, robo da, robo da, robo da. Zoom, zoom, robo da, robo da. रोबोट 2.0 2010 की फिल्म रोबोट का दूसरा भाग है। ये फिल्म इस साल 2018 में रिलीज होने वाला है। रोबोट 2.0 का टीजर लॉन्च हो चुका है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। सूत्रों के मुताबिक रजनीकांत इस फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि पूरे पांच किरदार निभाने वाले हैं। जी हाँ, रजनीकांत इस फिल्म में एक वैज्ञानिक, एक रोबोट, दो बौनों और एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाने वाले हैं। लेकिन यही नहीं, अक्षय कुमार की फैंस के लिए भी एक खास खबरी है, क्योंकि उनकी फेवरेट सुपरस्टार अक्षय कुमार इस फिल्म में चार या पांच नहीं बल्कि पूरे 12 किरदार निभाने वाले हैं। अक्षय कुमार की मेकअप में पूरे 3 घंटे की समय लगता था, जिसके लिए अक्षय को शूटिंग सेट में जल्दी आना पड़ता था। इस मूवी में आई फिल्म की हीरोइन आमी जैक्सन है। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल क्या है ये बताया नहीं गया है, लेकिन दुबई में एक लॉन्च के दौरान निर्माताओं ने एक फोटो शेयर किया था जिसमें आमी एंड रजनीकांत एक दूसरे के सामने खड़े थे। उस फोटो में आमी रोबोट वाले लुक में दिखी, जिससे ये संभव है कि आमी जैक्सन इस मूवी में फीमेल रोबोट का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म की किरदारों के लुक्स को छुपा के रखने के लिए फिल्म की सेट पर सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि सेट में किसी को भी मोबाइल फ़ोन लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ कारणों से अक्षय कुमार की एक फ़ोटो लीक हो गई थी। फिल्म की साउंड ट्रैक्स में 7 गाने हैं जो कि AR रहमान के द्वारा बनाए गए हैं। वो कहते हैं कि रोबोट 2.0 की संगीत के लिए म्यूजिक देना बहुत ही मुश्किल था और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी किया है। इस फिल्म का एक गाना यूक्रेन में शूट होने वाला था, लेकिन रजनीकांत की तबीयत की वजह से वहाँ नहीं जा सके, तो इसके लिए फिल्म मेकर्स ने भारत में ही VFX की मदद से यूक्रेन को चित्रित किया और पूरी गाने को VFX की मदद से ही बनाया गया। इस फिल्म को बहुत लोग रोबोट 2 के नाम से जानते हैं जो कि वास्तव में रोबोट 2.0 है। ये नया नाम काफ़ी दिलचस्प है और अभी तो इसका टीजर भी आ चुका है जो कि जिसे देख के लोगों के दिल में एक्साइटमेंट जागृत हो चुका है। फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम रोबोट 2 रखने का सोचा था, लेकिन इसमें कुछ कानूनी दिक्कतें थीं जिसकी वजह से इसका नाम रोबोट 2.0 रखा गया। इस मूवी में रजनीकांत डॉक्टर वाजिगर और चिट्टी के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अक्षय कुमार एक विलन के रूप में नजर आएंगे और आमिर जैक्सन एक फीमेल रोबोट की भूमिका निभा रही हैं। आमतौर पर फिल्म को पहले 2D में शूट किया जाता है, उसके बाद उसे 3D में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यह इंडिया का एक पहला ऐसा मूवी है जो कि डायरेक्ट 3D में शूट किया गया है। इस मूवी की क्लाइमैक्स दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और बाकी चेन्नई में शूट किया गया है।
इस फिल्म को 15 अलग अलग लैंग्वेज में लॉन्च किया जाने वाला है। रोबोट 2.0 के लिए पहले तो एक हॉलीवुड एक्टर को ऑफर दिया गया था, लेकिन उनकी भारी भरकम डिमांड की वजह से उन्हें कैंसिल करके अक्षय कुमार को विलन के रूप में चुना गया। कमल हासन, आमिर खान, विक्रम को भी इस फिल्म का ऑफर दिया गया था, लेकिन तीनों ने ही इस फिल्म के लिए नो कहा था। इस फिल्म की सैटेलाइट राइट्स को 1100 करोड़ में बेचा गया है। सूत्रों के अनुसार जी टीवी ने रोबोट 2.0 की हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम समेत सभी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स को खरीद लिया है। इससे पहले बाहुबली की सैटेलाइट राइट्स को 100 करोड़ में बेचा गया था, लेकिन रोबोट 2.0 ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोबोट 2.0 बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है और एशिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म। ये फिल्म 400 करोड़ की बजट में बनाई गई है। पहले बाहुबली 2 सबसे महंगी फिल्म थी, जो कि 250 करोड़ में बनाया गया था, जिसका रिकॉर्ड रोबोट 2.0 ने काट दिया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रोबोट 2.0। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।